अरे कोहली भाई, बड़े जोर से हंस रहे हो यार। तुम्हारा तो वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया, हमारा तो नहीं हुआ भाई। अरे गब्बर भाई, खुश तो होंगे ही ना, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन हो गया भाई, बड़े बड़े दिग्गज तुम्हारे जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, इनका नहीं पता भाई, हमें भी बाहर कर दें। अरे जब से आया है ये केलवा, हमारी तो ज़िंदगी हो गई है ख़राब। और अब बच के रहना केलवा, क्योंकि हमारा दिमाग हो गया है ख़राब। अरे गब्बर, छोटे मोटे खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर होती है बातें, हम तो वाइस कैप्टन हैं इंडिया के, इसीलिए हमारी न करो बातें, किसी और की जगह अपनी जगह देख लो। अरे केलवा, सिर तो हम तुम्हारा ही फोड़ेंगे, और कितने दिन रहोगे टीम इंडिया में, अगली बार तो हम ही रहेंगे टीम इंडिया के कैप्टन, इसीलिए थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि हम टीम के बाहर करने के बाद तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। अरे छोड़ो यार गब्बर, अब यार तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो, अब यार इसका सिलेक्शन हो गया है तो इसे भी खेल लेने दो। पर यार मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी हमें फिक्र है। अरे हमें तो बुमराह और हर्षल ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनी बीवी ही छोड़कर चली गई, बीसीसीआई अपनी कहाँ रहने वाली थी। अरे यार सैमी, इस बार तो खेल लेने दो बुमराह और हर्षल को, और बीवी की क्या बात करते हो, वो तो और मंगवा देंगे यार। और भाइयों आप भी बता दो कि सैमी का सिलेक्शन होना चाहिए था या नहीं, और गब्बर की भी बताओ कमेंट में, केएल को खिलाना चाहिए था या गब्बर को।